गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑयल पंप का रिवीजन कराया था, आज मैं आपको ऑयल फिल्टर का रिवीजन कराऊंगा। इस टॉपिक की समाप्ति के पश्चात आप जान पाएंगे वाहनों में ऑयल फिल्टर क्यों लगाए जाते हैं, ऑयल फिल्टर कितने प्रकार के होते हैं तथा ऑयल फिल्टर अरेंजमेंट किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ऑयल फिल्टर के कार्य। ऑयल फिल्टर इंजन में जो इंजन ऑयल है उसमें कंटामिनेंट्स यानी बारी बारी धूल मिट्टी के कणों को फिल्टर करने का कार्य करता है, यानी धूल मिट्टी के कणों को साफ करता है ताकि इंजन ऑयल क्लीन रह सके और वह साफ इंजन ऑयल इंजन को पार्ट्सों को लुब्रिकेट करे और इंजन के पार्ट्स टीयर एंड गियर कम से कम हो और इंजन के पार्ट्सों की लाइफ इंक्रीज हो सके। देखते हैं ऑयल फिल्टर के प्रकार। वाहनों में दो प्रकार के ऑयल फिल्टर हम प्रयोग करते हैं, पहला क्लीनेबल ऑयल फिल्टर, दूसरा रिप्लेसेबल ऑयल फिल्टर। क्लीनेबल ऑयल फिल्टर ऐसे ऑयल फिल्टर जिन्हें एक निश्चित अवधि के पश्चात साफ करके पुनः प्रयोग किया जाता है उन्हें क्लीनेबल ऑयल फिल्टर कहते हैं। ये ऑयल फिल्टर अधिकतर क्लॉथ, वायर गेज, एज टाइप तथा सेंट्रीफ्यूगल टाइप के होते हैं। दूसरा रिप्लेसेबल ऑयल फिल्टर ऐसे ऑयल फिल्टर जिन्हें एक निश्चित अवधि के पश्चात बदल दिया जाता है उन्हें रिप्लेसेबल ऑयल फिल्टर कहते हैं। ये ऑयल फिल्टर अधिकतर पेपर, फैट इत्यादि के बने होते हैं। अब देखते हैं फिल्टर अरेंजमेंट के प्रकार। यहां पर आपको फिल्टर अरेंजमेंट दिखाया गया है। बेसिकली दो प्रकार का फिल्टर अरेंजमेंट है, पहला फुल फ्लो टाइप फिल्टर, इसमें आप देख रहे हैं ऑयल सम्प जिसके अंदर एक स्ट्रेनर या प्री फिल्टर या पोस्ट फिल्टर भी हम कहते हैं और जिसके अंदर इंजन ऑयल भरा हुआ है एक निश्चित लेवल तक। यहां पर आपको दिखाया गया ऑयल पंप जो सम्प से ऑयल को पंप करता है और उस ऑयल को ऑयल फिल्टर में भेज देता है। यहां पर आप देख रहे हैं ये ऑयल फिल्टर का बाउल है, इसके अंदर फिल्टर एलिमेंट और यहां पर आप देख रहे हैं एक प्रेशर रिलीफ वाल्व जो ऑयल का प्रेशर बढ़ने पर खुलता है और इंजन ऑयल को इंजन के पार्ट्स को भेज देता है। यहां पर आप देख रहे हैं ऑयल गैलरी और ये जो है इंजन के मूविंग पार्ट्स या इंजन बियरिंग इत्यादि और इंजन ऑयल लुब्रिकेशन के पश्चात पुनः इसी ऑयल सम्प में पहुंचता है। देखते हैं इस फुल फ्लो टाइप फिल्टर की कार्यविधि। जैसे ही हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो ऑयल पंप ऑयल सम्प से ऑयल को पंप करता है और इस ऑयल को प्रेशर के साथ जो है ऑयल फिल्टर में भेजता है। ऑयल फिल्टर उस ऑयल को साफ करके या स्वच्छ करके ऑयल गैलरी से होते हुए इंजन के पार्ट्सों को लुब्रिकेशन के लिए भेज देता है और वहां से वो ऑयल लुब्रिकेशन के पश्चात पुनः ऑयल सम्प में पहुंचता है। अगर किसी कारणवश ऑयल फिल्टर चोक हो जाए या खराब हो जाए, काम करना बंद कर दे, उस स्थिति में ये जो प्रेशर रिलीफ वाल्व है ये खुल जाता है और ऑयल जो है यहां से होते हुए ऑयल गैलरी के द्वारा सीधे इंजन के पार्ट्सों को या इंजन बियरिंग को लुब्रिकेशन के लिए चला जाता है और वहां से इंजन के पार्ट्सों को लुब्रिकेशन करने के पश्चात फिर भी पुनः जो है ऑयल सम्प में प्रवेश करता है, यानी ऐसी स्थिति में इंजन को सीज होने से बचाया जा सकता है। दूसरा यहां पर आपको दिखाया गया है बाईपास टाइप ऑयल फिल्टर। इस सिस्टम में यह ऑयल सम्प दिखाया गया है, इसके अंदर वही ऑयल स्ट्रेनर या कोर्स फिल्टर और ये ऑयल पंप और ये आप देख रहे हैं ये ऑयल की लाइन जा रही है, गैलरी जा रही है और यहां पर एक बाईपास फिल्टर। इस सिस्टम में क्या होता है कि जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो ऑयल पंप ऑयल सम्प से ऑयल को पंप करता है और कुछ ऑयल की मात्रा फिल्टर एलिमेंट से होते हुए जो है इंजन के पार्ट्स को लुब्रिकेशन के लिए चली जाती है और कुछ ऑयल जो है सीधे जो है इंजन के पार्ट्स को लुब्रिकेशन के लिए जाता है, यानी बिना छना हुआ बिना फिल्टर किया हुआ ऑयल जो है इंजन के पार्ट्स को लुब्रिकेशन के लिए जाता है। लुब्रिकेशन के पश्चात ऑयल जो है पुनः ऑयल सम्प में पहुंचता है। इस फिल्टर एलिमेंट में यदि फिल्टर एलिमेंट
चोक हो जाए या काम करना बंद कर दे तो उसी स्थिति में इंजन के पार्ट्सों को लुब्रिकेशन किया जाता है, यानी इंजन के पार्ट्स सीज होने से बच जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये फुल फ्लो टाइप फिल्टर और बाईपास टाइप फिल्टर अरेंजमेंट समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।